गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुंछस में मंशियात सवाल प्रोग्राम सांस मंशियात के मुजिर असरात हवाले कथन दल लूकन ब्रो पुन जिम्मेदारों अपील यौमी मारम किस मौके पर बड़गम मुशायरों सांस अदीबों कलमकारों तो शहरों शिरकत शाहिद बड़गम सिताब रस्म रोनमई शुपियनस में कार पार्किंग की खस्ताहाली सहित लोग परेशान इंतजामियाज खिलाफ नाराजगी इजहार शहर पर करने लोगों इंतजामियाज मांग अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कशर खबरनामा हेत चुस साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मंज हाजिर तो पेश खबरन हुन तफसील एन आई ए तरफ ये मुख्तलिफ मामलन हवाले वादी मज कारवाई अमले मज अन्न चीवान तज आज ते एन आई ए तरफ वादी हिंदे जिले वरमुल पुलवोम तो शुपियनस में कारवाई अमले मज अन्न आम दौरान कईहन गरन हिज तलाशी ते हन आई ये जन एन आई ए जराये पे वन आव मिलिटेंसी हवाले च कारवाई अमले मज अन्न आम दौरान कैं अहम दस्तावेजात ते जब्त करना आई पलान पटनस में ये 30 जून 2023 में एक शख्स सिंह तरफ पुलिस थानस में शिकायत दर्ज करना आई या दौरान पुलिस वन आव तिज कूर पूरे असरार पुल लापता सपजम तब पलान पुलिस तरफ शिकायत हूँ सख्ती संजीदगी सान तहकीकत शुरू करना आमुत या दौरान पुलिस तरफ ये कूर नई दिल्ली में जिसम फरोशी हिंदे अके अड़ पे बाजियाब करना आई ये जन पुलिस तरफ अत मामलस में आशक अली मंगरियाल तिल्ली रियासी तो दीप कुमार छल्ला बनी कुठवा गिरफ्तार ते करना आई यपर पुलिस जराये पे वन आमुत अत मामलस हवाले मजीद तहकीकत जारी तो उम्मीद कोरि अगवा कर बोड नेटवर्क यी लूकन ब्रो कुन अन्न यह कत बावन लायक कोरि माल पजि सठ एहतियात कर कोरि पजि मौजूद सूरत हाल हवाले जान दिन युत जन तम कंस दोखस मत इथन वाकान हज शिकार सपदन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुंछस में आज समाजी बहबूद महकम तरफ दोन दोन ताम जारी रोजन वलिस नशा मुक्त भारत अभियान तो नशा मुक्त पंचायत अभियान तहत प्रोग्राम सांस करना आमुत यथ मज जिला तरकियाती कमिश्नर पुंछ समाजी बहबूद महकम क्यों जिम्मेदारों अवामी नुमाइंदो तलब इलम तो कॉलेज इंतजामिया शिरकत कर अत मौकस पे ये मंशियात कन मुजिर असरात हवाले कथन दल दिन आव तत चु जिम्मेदारों तरफ वन आमुत मंशियात पे रोट लागन हवाले जरूरी ज्यादा खुद ज्यादा जानकारी प्रोग्रामन हूँ यह सज कर युत जन नौजवान नस्ल अम नश दूर थानस मज आसानी सपद एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं लेकिन आज इस प्रोग्राम जी आज हमारा 2 डे डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया गया है फॉर पंचायत लेवल कमिटीज़ जो हमने रिसेंटली कंपोज की थी अंडर नशा मुक्त भारत अभियान जैसे आप जानते हैं कि यूटी लेवल पे 26 जून को जब इंटरनेशनल सब्सटेंस अब्यूज़ डिक्लेयर हुआ था तो एक नशा मुक्त पंचायत अभियान लॉन्च किया गया था और उस अभियान के तहत हर एक पंचायत में कंट्रोल एक्टिविटीज़ लॉन्च करने की बात हुई है तो हमारी जो ये 5 मेंबर कमेटी हैं उनमें से हमने एक एक ट्रेनर चूज़ करके यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनको ट्रेनिंग दी है यहाँ हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और जो इम्पैनल एजेंसीज़ हैं उनके कुछ ट्रेनर्स आए हुए हैं जो इनसे बात कर रहे हैं इस कमिटीज़ में लोकल टीचर्स लोकल आंगनबाड़ी वर्कर्स आशा वर्कर्स इवन पुलिस कॉन्स्टेबल्स ये सब इन्वॉल्व हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि इन टीम्स के ज़रिए हम नशा मुक्त भारत अभियान में जो हमें कैपेसिटी बिल्डिंग चाहिए वो हम कर सकें ठीक है ये सर 2 दिवसीय ट्रेनिंग है जो नशा मुक्त भारत अभियान के तहत कराई जा रही है इसमें सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट पूंछ फैसिलिटेट कर रहे हैं यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो है वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी का रोल निभा रही है और हमारे साथ हैं जम्मू एंड कश्मीर सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मासेस JKSPYM से हमारे साथ 3 रिसोर्स पर्सन जुड़े हैं जो ये 2 दिवसीय ट्रेनिंग इम्पार्ट करेंगे जो JKSPYM है वो स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है जो मिनिस्ट्री द्वारा ही नियुक्त करी गई है और इनके पास 20 सालों से भी ऊपर का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में काम करते हुए ये एक बिहेवियर चेंज है बिहेवियर चेंज आने में समय लगता है
तो हम आज ये तो नहीं कह सकते कंफर्म कि कितना चेंज आ पाएगा, पर हम हमारी कोशिश इस ट्रेनिंग से यही रहेगी कि हम लोगों को जागरूक कर पाएँ, अवेयर कर पाएँ। किसी अगर 100 लोग हैं, 100 में से 50 लोगों के अंदर भी एक कॉन्शियसनेस, एक कंसाइंस उनका जागता है कि हाँ ये हम वो ये अगर ये समझ जाएँ कि हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड सोसाइटी अगर ये है, तो थोड़ा धीरे आज वो कोशिश करें, एक चेन फॉर्म हो गई, वो कल किसी और को कहेंगे, तो चेन फॉर्मेशन से ही ये चीज़ें एट द एंड अचीव करी जा सकती हैं, ये इम्पॉसिबल नहीं। पहले सबसे पहला काम इनिशियल स्टेज पे होगा ऑब्जर्व करना अपने आसपास, उनको ये इस ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो लोग इस नशे का शिकार बन जाते हैं, उनको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, फिर उनको कैसे समझाना है, कैसे उनसे बात करनी है। अगर वो अभी आदी नहीं हुआ है नशे का तो उनको बचा के रखना है, कोशिश ये रहेगी, और जो आदि हो चुके हैं नशे के उनको कैसे निकाला जाए, ये हमारा उनसे मतलब उनका रोल रहेगा इस चीज़ में। नशा जिसे हम कहते हैं ना ड्रग्स सब्सटेंस यूज़, वो बहुत ही कूल क्वेश्चन मैं कहूँगी लोग बच्चों के दिमाग में होता है, खासतौर पर जो यंग बच्चे होते हैं उनको रहते हैं बहुत कूल क्वेश्चन है, अरे मेरा दोस्त कर रहा है तो बहुत अच्छी चीज़ होगी, पर आप सब समय के साथ एक लंबे अंतराल में आपको मालूम चलता है कि ये हमारे लिए कितना हानिकारक है। उस चंद भर के जो खुशी होती है उस चक्कर में आप पूरी ज़िंदगी को नुकसान में डाल सकते हैं, तो इस चीज़ से बचें और अपना दोस्तों के प्रभाव में आएं और उन्हें भी इस चीज़ से बचाने की कोशिश करें। बड़गे में आज हुसैनी मुशायर सांस करना आमुत यथम अदीबो कलमकारों तो शायरों शिरकत कर अथ मौके पर हुसैन अलैहिस्सलाम तो वाकाए करबलस हवाले शायरों तरफ पनी पनी कलाम पेश करना आए तत शाहिद बड़गम सज तहरीर करना आमच तारीख आज़ादारा कश्मीर किताब हिंज रस्म रोनमई अंजाम दिन आम देखिए आज दुनिया भर को मालूम है कि आज से मुहर्रम का महीना शुरू हो चुका है और आज पहली मुहर्रम है और हसबी रिवायत बड़गाम में पहली मुहर्रम को यहाँ पे हुसैनी मुशायरा होता आया है और आज यहाँ हुसैनी मुशायरे के साथ शाहिद बड़गामी की साहब की किताब जो आज़ादारी के बारे में उन्होंने लिखी है तकरीबन 450 पेजेस उसका रजिस्ट्री इजरा भी होने वाला है। तो इस सिलसिले में यहाँ शायर हजरात जो मुख्तलिफ़ गोशों से आते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों से आते हैं, वो इमाम आली मुकाम और करबला के शहीदों को अपना नजराने अकीदत पेश करते हैं और इस सिलसिले में यह मुझे लगता है कि 53वां मुशायरा है जो आज यहाँ मुनक़द हो रहा है। ये मेरे ग्रैंडफादर शाहिद बड़गामी साहब पिछले 50 साल से कर रहे हैं, तो इसमें किसी ऑर्गेनाइजेशन का हम हेल्प नहीं लेते हैं, किसी ये बस एक पर्सनल हमारा एक पर्सनल एक मुशायरा होता है, नियाज भी होता है हमारा, तो ये 50 साल से चला आ रहा है, तो इस साल ये 54th ईयर है इसका, 54 साल से चला आ रहा है, तो इसमें किसी ना तो पॉलिटिकल ना तो किसी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन का हम इससे कोई इनका लेना देना नहीं है, बस एक नियाज होता है और मुशायरा होता है जिसमें वादी के और वादी से बाहर भी जो भी हमारी बड़ी बड़ी ज़बानें हैं हमारे जम्मू और कश्मीर की, जैसे कि डोगरी हो गया, पंजाबी हो गया, कश्मीरी तो है ही और उर्दू, उन सब के यहाँ पे शायर आते हैं और अपना कलाम पढ़ते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में। नाजरीन कोशिर खबरनामा जारी है तनिमाक तिजारती वक्त पर।